मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा को तोड़कर सरकार जुन्नार देव को एक और नया जिला बनाने की तैयारी में है। इस नए जिले के बनने के बाद प्रदेश में जिलों की संख्या 55 से बढ़कर 56 हो जाएगी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले को तोड़कर सरकार जुन्नार देव विधानसभा को अलग जिला बनाने की तैयारी में है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, चाहे हर तहसील को जिला बना लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिछले 40 साल में कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में विकास के जो काम किए उसका कोई तोड़ नहीं है। उन्होंने कहा कि अमरवाड़ा उपचुनाव में छिंदवाड़ा की जनता ने दिखा दिया है कि वो कमलनाथ के साथ हैं। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने जो कमलेश शाह को मंत्री बनाने का वादा किया था वो अब तक पूरा नहीं किया गया है। नहीं, नागर सिंह के अलावा बाकी भी तो आज भी तो स्टेटमेंट है, बिश्नोई जी का है, इससे पहले भार्गव जी का था, तमाम जितने सीनियर MLAs बीजेपी के रहे वो सब साइडलाइन हो गए हैं, क्वारंटाइन हो गए हैं। और आज दबदबा जो कांग्रेस से लोग गए हैं, आज बीजेपी में उन लोगों का दबदबा है जो कांग्रेस पार्टी से गए हैं, और उनके 50-50 साल के जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो साइडलाइन हो गए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये सब जो होता है ये सब पतन की शुरुआत होती है, ये मान के चलिए, क्योंकि पिछले टर्म में 2019 में 100 से ज़्यादा सांसद ऐसे थे जिनकी पृष्ठभूमि भी कांग्रेस की थी। लोकसभा में क्या हाल हुए ये हमने देख लिया है। यही स्थिति आगे चल के मध्य प्रदेश में होगी, क्योंकि वो लोग जिनको कुछ मिल नहीं रहा है आज भारतीय जनता पार्टी में, आज लाइन में अगर हैं तो एक इस्तीफा और बीना का है, उनको भी जिला बनाने का कहा है। ये सब चीज़ें निश्चित तौर पर एक निराशा का वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं नेताओं में पैदा हो रहा है। ये समाचार पत्र में आपके मीडिया में आ रहा है, ये निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे सनई सनई ये बीजेपी के पतन का मामला है। एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बजट है आया है इसमें मध्य प्रदेश को कान देखी हुई है। 29 सीट जीतने के बाद जो एक्सपेक्टेशन थे मध्य प्रदेश के बजट में वो मिल नहीं पाए, और बजट में 36 बिंदु ऐसे हैं जो कांग्रेस के न्याय पत्र में थे लोकसभा के चुनाव में, पूरी उसकी नकल की गई है। लेकिन उसके बावजूद जहाँ तक PSC के रिजल्ट आए, इसमें पद मंत्रालय ने और विभागों ने दे दिया कि करीब 2000 पद और हैं, लेकिन उनको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। अगर वो PSC में इंक्लूड हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जिन्होंने PSC की परीक्षा दी है उनको रोजगार मिल सकता है। लेकिन PSC और मंत्रालय में जो भी स्थिति हो, जबकि मंत्रालय ने लिख के दिया है कि लगभग 2000 उससे ज़्यादा पद खाली हैं, तो उनको भरने का जो PSC परीक्षा ले चुकी उसमें क्यों नहीं भरे जा रहे हैं, ये मेरा सवाल है PSC से भी और सरकार से भी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।